देखिए, एक तो मिशनरी स्कूल जो भी भारत में है उनके उनमें पढ़ाई आमतौर से बहुत अच्छी होती है, इसमें कोई शक नहीं है। और वो ईसाई मज़हब में ये है भी कि अगर किसी की भी खिदमत करो और ख़ासतौर से गरीब आदमी की, तो उससे खुदा बहुत खुश होता है। ये उनके मज़हब की बहुत अच्छी बात, तो हमें इसकी कदर करना चाहिए। जहाँ तक मांस खाने का ताल्लुक है, तो जिन साहब ने यह एतराज़ किया है वो ऋग्वेद देवताओं को जानवरों का मांस दिया जाता था, उसको यज्ञा में सेक्रीफाइस होती थी, उसमें उसी को किया जाता था। तो मांस खाना कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। बहरहाल ये बिल्कुल गलत है कि मिशनरी स्कूल में पढ़ने से वो मांस खाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर स्कूलों में तो खाना मिलता ही नहीं है। जहाँ सरकारी इंतज़ाम है वहाँ ज़ाहिर है मांस नहीं होता। तो ये सब बातें बेकार की हैं, हमें उनकी कदर करना चाहिए जो उन्होंने शिक्षा में काम किया है। अपने आप को भी देखना चाहिए कि हम ऐसे स्कूल कितने हमने पायल किए। क्या सर, भाजपा या आरएसएस के लोग लीडर मिशनरी स्कूल से पढ़े हैं या किनका कभी ताल्लुक रहा है मुझे इसका इल्म नहीं। या मिशनरी स्कूल कब से और क्या स्कूलों का आरएसएस का भाजपा ने कभी इनका विरोध किया सर? देखिए, उन्होंने इनके बारे में क्या कहा इसे भी मैं ज़्यादा नहीं जानता, उनके अखबारों वगैरह को पढ़ता नहीं। वहाँ ये ईसाइयों के ज़रूर खिलाफ थे, गोलवलकर जी ने लिखा है, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ नहीं थे, ईसाई मज़हब के ख़िलाफ़ थे। कोई इनमें से न गोलवलकर गए ना गॉडसे जेल गए कभी। तो अब ये ईसाई मज़हब के ख़िलाफ़ कहते होंगे तो मिशनरी स्कूलों के ख़िलाफ़ भी कहा होगा।